से ये पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो से है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग है कि G20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है। समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है, हम साया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं। अब उस ग्रैंड 20 मीटिंग्स में क्या होगा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी मनवा सकते हैं 20 कंट्रीज से, लेकिन उस 20 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल नहीं है। क्या रीज़न है जो कि इंडिया शामिल हो सकता है 75 सालों में लेकिन पाकिस्तान नहीं शामिल हुआ? और बिल्कुल ऐसे जो हमारे खासतौर पर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें भी ये देखना चाहिए कि ये चीज़ें कोई मुश्किल नहीं है, आपको अगर स्पीकिंग स्किल्स नहीं आती तो आप सीख सकते हैं। अच्छा, आपसे बात करता हूँ, मुझे ये बताएं कि इन्होंने बोला कि ऐसा होना मतलब ये कि कुछ उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है इंडिया की, इस वजह से उन्हें प्रेज किया जाता है, आपको नहीं लगता कि रीज़न भी बहुत मैटर करता है? आप किस रीज़न के लिए गए हो? अगर आप तो पैसे लेने के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम नहीं किया जाएगा, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हो, किसी डील के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम किया जाएगा, ये भी एक इशू है या नहीं? इसमें मैं एक्चुअली ये बात करना चाहूँगा कि जब यूब खान गए थे अमेरिका में तो उनका इतना वार्म वेलकम हुआ था वहाँ पे, तो जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं तो उनका उस हिसाब से नहीं वेलकम होता उस हिसाब से, क्योंकि वो एक उनको पता है कि हम मकसद कुछ और है। बिल्कुल, तो अयूब खान जब गए थे तब उनके कार्ट में ना गाड़ी में उठा के सैर कराई गई थी, तो हमें ये तो एक क्लियर समझ आ चुकी है कि लॉ ऑफ नीड है, जब हमें हमारी किसी को जरूरत पड़ती है ना तब वो हमारी इज्जत करता है। ज़ाहरी बात है, ये एक दुनिया का कानून है कि जिससे आपको जरूरत होगी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे कि, और खासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरे नंबर पे कमिटमेंट भी मैटर करती है या नहीं, कि मतलब यार ये बंदा कमिटमेंट का पक्का है, इसके साथ हमने बात की तो पता चलेगा कि ये बात को निभाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप एज अ नेशन के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए, आपका एक मेयार होना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए, आपका पास्ट ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को पता हो कि मैं इससे बात कर रहा हूँ, इसने अपनी नेशन से एक मेजोरिटी वोट के साथ ये आया है तो ये मेरी बात को मद्देनजर रखेगा और मेरी अपनी कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट करेगा उस पर पूरा उतरेगा। हाँ जी बिल्कुल, तो कमिटमेंट में आप पहले डिसाइड करेंगे मैंने ये करना है, लेकिन ऐसा ना हो कि आप बस अपने एक काम करवाने के लिए 10 काम आप अपनी कौम के खराब कर दें, बट दैट थिंग मैटर कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि विच इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड विच विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ माई नेशन एज वेल। पाकिस्तान, अगर आप दोनों से ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप साथ आ जाएं, गुफ्तगू इंटरेस्टिंग हो रही है, क्वेश्चन दोनों से ये है, पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो से है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग नेशन हम हैं, लेकिन ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फर्क आता है। अब हम यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर। हाँ जी, इन द सेंस कि अब देखें ना, हमारी पिछले 3-4 माह में या पिछले 1 साल में ले लें, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रही हैं। अब दुनिया में किसी ने भी अगर सपोज कोई हमें मालदीव या इंडोनेशिया से अगर हमें देखता है तो वो सबसे पहले तो देखता ना कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रांग है, इस मुल्क में सबसे पहले टैलेंट वगैरह की बातें बाद में आती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो कितने स्टेबल हैं, उनकी कितनी मुल्क में चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे थोक के हिसाब से वजीर आजम आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, वजीर आला हमारे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और सबसे पहले मेन चीज़ें यही मैटर करती हैं। अब 20 की मीटिंग हुई है, अब वो इंडोनेशिया में मुनकिद करवाई जा रही है, समिट जो है G20 की, उसमें ग्रैंड 20 कंट्रीज है और उसको लीड करने वाला और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है, हम साया मुल्क हमारा इंडिया, उनके प्राइम मिनिस्टर उसको लीड कर रहे हैं।